बच्चों आज हम लोग गुणा पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? गुणा। सबसे पहले गुणा का चिन्ह ये होता है। अब हम लोग गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तीन बार। चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तीन बार। चार एकम चार, चार दुगना आठ, चार दिया बारह, कितना आया? बारह। तो बारह का हम कितना लिखेंगे? दो। बारह का हम कितना लिखेंगे? दो। और एक हमारा गया हासिल। अब चार का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? दो बार। चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? दो बार। चार दुगना आठ और एक हासिल, यानी कितना आ जाएगा हमारा? नौ। कितना आ जाएगा बच्चों? नौ। अब चार का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? चार बार। चार एकम चार, चार दुगना आठ, चार दें बारह, चार चौक सोलह। तो अब आगे तो कोई संख्या है नहीं कि जिस पर हम हासिल लगा, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा सोलह लिख देंगे। अब इसी प्रकार एक संख्या का और हम गुणा करना देखते हैं। यहाँ पे बच्चों कौन सी संख्या लिखी है? पाँच। पाँच का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ा पड़ेगा? छः बार। पाँच एकम पाँच, पाँच दुगना दस, पाँच दें पंद्रह, पाँच चौक बीस, पचम पच्चीस, पाँच छः तीस, कितना हमारा? तीस। तीस का हम लोग जीरो लिखेंगे और तीन हमारा क्या हो जाएगा? हासिल। अब हम पाँच का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? चार बार। पाँच एकम पाँच, पाँच दुगना दस, पाँच दें पंद्रह, पाँच चौक बीस, और बीस में कितना हासिल जोड़ेंगे? तीन, यानी कितना हो जाएगा? तेईस। अब तेईस का हम लिखेंगे यहाँ पर तीन, हासिल गया हमारा दो। अब पाँच का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ना है? पाँच बार। पाँच एकम पाँच, पाँच दुगना दस, पाँच दें पंद्रह, पाँच चौक बीस, पचम पच्चीस, और पच्चीस में कितना हासिल जोड़ेंगे? दो, कितना आ जाएगा हमारा? सत्ताईस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्ताईस। आप लोगों को गुणा समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप लोग भी ये गुणा के सवाल करके कॉपी में दिखाएंगे।